झारखंड में ईडी ने जब से सीएम को समन भेजा है पूछताछ के लिए, उसके बाद से लगातार जो सत्ताधारी दल के घटक है उनमें नाराजगी देखी जा रही है। सबसे पहले शक्ति प्रदर्शन हेमंत सोरेन ने खुद किया था अपने आवास के बाहर, और वहां पे उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा था कि वो अपने क्षेत्र में जाएं, एक्सपोज करें बीजेपी को कि किस तरह से वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, और सरकार को, चुनी हुई सरकार जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट में है, उसको अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। लगातार ये कोशिशें होती रही है, और हेमंत सोरेन ने इसीलिए कहा कि इसको गांव-गांव जाके वो एक्सपोज करे और करारा जवाब दे। गुजरात में जो आदिवासी डोमिनेटेड सीट्स है उस पर जो है एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वो वोट करें। इसके अलावा जो यहाँ पे जिस तरह से अपदस्त करने के एक ट्राइबल सीएम को कोशिश की गई है, क्योंकि ट्राइबल हित की बीजेपी अनदेखी करती है, तो हर मोर्चे पे उसका विरोध होना चाहिए। ईडी जो है बिल्कुल एक स्टूज यानी कठपुतली के रूप में कार्य कर रही है, इशारों पे कार्य कर रही है, जो कि उचित नहीं है। और जिस तरह से लड़कर झारखंड लिया गया है उसी तरह से लड़कर अधिकार भी लिया जाएगा, और आज उनका मनोबल सातवें आसमान पे है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिला है, जो दो पीआईएल दायर किए गए थे हाई कोर्ट में सेल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके मनी लॉन्ड्रिंग के जैसे जरिए पैसा कमाने का, और दूसरा माइंस जो उन्होंने खुद के नाम आवंटित करवाया था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के जो प्रोविजन है उसका वायलेशन मांगा गया था, उस दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया है। तो इससे भी यहाँ पे बिल्कुल जश्न का माहौल है, और देखिए यहाँ पे धरना आयोजित किया गया है तमाम सत्ताधारी दल के जो घटक है उनके द्वारा, और ऊपर लिख दिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग एवं लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई लोकप्रिय झारखंड सरकार को अस्थिर करने के षड्यंत्र के खिलाफ महागठबंधन दलों का राजभवन के सामने धरना, तो ये लिख दिया गया है। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं आज रिलीफ जरूर मिला है, और साथ ही साथ जब से ईडी ने समन जारी किया है विरोध का सिलसिला जो है वो जारी है महागठबंधन के जो घटक है उनके द्वारा। सड़कों पे उन्होंने पहले भी धरना दिया था, मुख्यमंत्री ने भी जो अलग अलग पॉकेट से जेएमएम के कार्यकर्ता आए थे उनको संबोधित किया था, और ये कहा था उन्होंने, साहबगंज में उन्होंने साफ तौर से कहा था कि ईडी को लगता है कि वो सबसे शक्तिशाली है जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन किया जा सकता है। तो हेमंत सोरेन कौन है, यहाँ नेता जो है वो पहुँच चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा रिलीफ मिला है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग जो है आप लोगों का आरोप। सर्वोच्च न्यायालय में भरोसा था, इसे न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, और आगे भी न्यायालय से न्याय निश्चित रूप से मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही एडवोकेट भी बन जाते हैं और जज भी बन जाते हैं, खुद ही बहस भी करते हैं और न्याय भी देते हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हमें न्यायालय पर भरोसा है निश्चित रूप से आगे भी न्याय मिलेगी। दुरुपयोग हो रहा है क्या? बिल्कुल, आप लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं नहीं, हम लोग तो लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का, उनको जिस तरह से पंगु बनाया जा रहा है, जांच एजेंसियों का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, हम लोग तो गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे हैं। मंत्री ने पत्र लिखा, सेकंड ओपिनियन का विरोध भी किया है। नहीं, सवाल विरोध का नहीं है, सवाल जब चुनाव आयोग ने फैसला दे दिया तो उसमें उसको फैसले को सुनाने में इतना विलंब क्यों? कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है, और आज न्यायालय ने ये साबित कर दिया कि जो हम लोगों का विश्वास है वो विश्वास कायम रहेगा और विश्वास बढ़ेगा भी। राजीव जी, ये क्या लगता है जिस तरह से जो है यहाँ पे राजभवन के सामने बैठे हैं, राजभवन से कहा भी गया था कि एटम बम छूटेगा, इस तरह की बातें भी सामने आई थी, पटाखे छूट रहे हैं रोज। देखिए हम तो बराबर दिवाली के बाद पटाखे छूट रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पटाखे छूटने का समय निर्धारित था दिवाली के दिन भी 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक, लेकिन ये महामहिम को दिखाई नहीं देता है। मैंने तो पहले भी कहा था कि राजभवन को राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाए, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको कम से कम अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और इस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। सर, एक बड़ा रिलीफ आज सुप्रीम कोर्ट से भी मिला है, जो पीआईएल फाइल हुआ था उसको सेट असाइड कर दिया है।
कहीं इसका स्वागत करता और उत्साहित है, क्योंकि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग। नहीं देखिए, ये शुरू से हम लोगों को अंदेशा था कि एन के एन प्रकार यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के मूलवासियों के शासन को बेदखल करने के लिए जो साजिश रची गई उसके खिलाफ हम लोगों ने शुरू से आग्रह किया है माननीय न्यायालय को। आज जाकर जो सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को माना है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाई है और ये मेंटेनेबल नहीं है और इसलिए इस पर रोक लगाई जाती है, आज न्याय की जीत हुई है और इस न्याय के जीत के साथ में यहाँ के झारखंडियों की जो अरमानों का सरकार है उसको एक ताकत मिली। सेंट्रल एजेंसीज भी विंडिक्टिव भावना से काम कर रही है वेंडेटा के लिए, सेंट्रल एजेंसी। अब उसमें कोई छुपा हुआ बात तो है नहीं, इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप क्यों जाते हैं हाई कोर्ट पे बंद लिफाफा देने, इसका मतलब आपका क्या है। तो ये बातें तो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, हमको अब कहने की क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है उसको लेकर जेएमएम कैंप और सत्ताधारी महागठबंधन के जो घटक है उसमें राहत जो है उसको साफ उनके चेहरे से पढ़ा जा सकता है। उत्साहित है, उत्साह है उनके मन में और मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके अपनी खुशी का इजहार किया, सत्यमेव जयते उन्होंने लिखा है। और लगातार ये उनका आरोप था कि यहाँ पे मैसअप करने की जो सेंट्रल एजेंसीज है वो कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार उन्होंने गलत नंबर डायल किया है और एक ट्राइबल को छेड़ा है जिसको जो है यहाँ के ट्राइबल्स माकूल जवाब देंगे, ये उन्होंने कहा था। और आज वो धरना भी दे रहे हैं, साफ तौर से आरोप महागठबंधन के घटक दलों का कि राजभवन भी कहीं ना कहीं राजनीति का अखाड़ा बन चुका है, सेंट्रल एजेंसीज को बिल्कुल यूज किया जा रहा है वैसे राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है ताकि वहाँ के सरकार को अपदस्त किया जा सके, ये यहाँ जेएमएम नेतृत्व वाली सरकार का आरोप है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।